शाहरुख खान स्टारर कोयला फिल्म को बॉलीवुड कल्ट फिल्म में क्यों शामिल किया गया है? इसकी शूटिंग में शाहरुख खान की मौत कैसे हो जाती? इस फिल्म की मेकिंग की वो बातें जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। क्या इस फिल्म का सीक्वल या रिमेक होगा? हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज लाया है आपके लिए 1000 रुपए जीतने का मौका। जी हाँ, हर रात 9 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जाएगी जिसमें पूछे जाएंगे बॉलीवुड से जुड़े हुए कुछ सवाल। उन सभी सवालों के सही जवाब देने वाले पहले शख्स को मिलेगा 1000 रुपए का इनाम। तो अगर आप भी ये मौका चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर रात 9 बजे वीडियो देखना ना भूलें। आपका स्वागत करता हूँ बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। डायरेक्टर राकेश रोशन की फिल्म कोयला की रिलीज को आज 22 साल पूरे हो गए। इस फिल्म को 18 अप्रैल 1997 में प्रदर्शित किया गया था। शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित ने लीड रोल किए थे। कोयला 1990 में आई केविन कास्टनर स्टार हॉलीवुड फिल्म रेवेन से प्रेरित थी। हालांकि राकेश रोशन ने ऐसी किसी प्रेरणा का कभी जिक्र नहीं किया। उनका कहना था कि करण अर्जुन बनाने के बाद उन्हें नहीं समझ आ रहा था क्या बनाए, क्योंकि उनके पास कोई कहानी नहीं थी। वो सोच ही रहे थे कि अपनी अन्य फिल्म कारोबार की स्टोरी सिटिंग के लिए उनका खंडाला जाना हुआ। एक सुबह वहां वॉक कर रहे थे कि उन्हें एक आइडिया आया, एक इंटेंस लव स्टोरी का, जो एक गूंगे नौजवान और एक गाँव की भोली लड़की के बीच थी। पृष्ठभूमि में कोयला खदानें थी। फिल्म का गाना देखा तुझे तो हो गई दीवानी बहुत हिट हुआ था। फिल्म के कई गानों में कंपोजर राकेश रोशन ने मुख्य रूप में मटकों का इस्तेमाल किया। मटकों की धुन के पीछे बाकी मॉडर्न साउंड डाले गए। सनी देओल इसमें हीरो के तौर पर राकेश रोशन की पहली पसंद थी। चूंकि कोयला एक बड़ी एक्शन फिल्म थी और अंगरक्षक, जीत, घातक जैसी फिल्मों के साथ उस समय सनी से बड़ा एक्शन हीरो कोई नहीं था, लेकिन किन्हीं वजहों से उन्होंने ये फिल्म नहीं की। उस सीन में जहां शंकर के रोल में शाहरुख आगे आगे दौड़ रहे हैं और हेलीकॉप्टर उनका पीछा कर रहा है, उसमें हेलीकॉप्टर को नीचे आकर शाहरुख के बहुत करीब से निकल जाना था और उन्हें कलाबाजी खानी थी, तो हुआ ये कि पायलट लापरवाही से हेलीकॉप्टर को उनके सिर के बहुत करीब तक ले गया। शाहरुख को अपने सिर के पीछे कुछ एहसास हुआ, उन्होंने कलाबाजी खाई और जमीन पर गिर गए। पूरे क्रू को लगा कि हेलीकॉप्टर ने उनको टक्कर मार दी। सबके होश पख्ता हो गए, दौड़ कर आए, लेकिन शाहरुख बाल बाल बच गए। होश ना खो दें कहीं, गाने के एक डांस स्टेप में शाहरुख को उछल कर घुटनों के बल जमीन पर गिरना था। ऐसा करते हुए उनके घुटने में चोट लग गई। ऐसा गलत बताया जाता है कि शाहरुख ने राकेश रोशन से कहा कि सिनेमा घरों में इस सीन को पॉज किया जाए और फिर बड़े अक्षरों में लिखा जाए। यही वो सीन है जहां शाहरुख खान का घुटना टूट गया था, ठीक वैसे ही जैसे कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन को पेट में लगी घातक चोट का सीन थिएटर्स में रोक कर दिखाया गया। बताया जाता है कि राकेश रोशन ने उनका आइडिया खारिज कर दिया। हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। शाहरुख ने फिल्म की मेकिंग के एक वीडियो में कहा था कि मेरा सपना है ऐसी फिल्म करूं जिसमें ऐसा कुछ लिखा आए जिसे सिनेमाघरों में दिखाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था। शाहरुख ने फिल्म की मेकिंग के एक वीडियो में कहा था कि मेरा सपना है ऐसी फिल्म करूं जिसमें कुछ लिखा आए इसे सिनेमाघरों में दिखाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था। शाहरुख ने खुद स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी राकेश रोशन से नहीं कहा था। ऋतिक रोशन ने कोयला में अपने पिता को असिस्ट किया था। सेट पर हर छोटे से छोटा काम वो खुद करते थे। एक्टर को सीन्स के लिए बुलाने जाते थे। इसके 3 साल बाद ऋतिक रोशन एक स्टार बन चुके थे। पिता राकेश रोशन ने उनको कहो ना प्यार से लॉन्च किया था। फिल्म में उस सीन को देखकर दर्शकों के रंगोटे खड़े हो जाते हैं जहां शाहरुख के शरीर पर आग लगी हुई है और वो दौड़ रहे हैं। ये स्टंट उन्होंने खुद किया था। उनके शरीर पर आग लगाई गई थी। आमतौर पर स्टंटमैन चेहरे पर मास्क लगाकर आग वाले सीन करते हैं, लेकिन उन्होंने बिना मास्क के किया। उन्होंने फायर प्रूफ कपड़े पहन रखे थे और वाटर जेल लगा रखा था, लेकिन ये भी इंसान को 15 सेकंड तक ही सुरक्षित रखता है। शाहरुख ने जब उस सीन का आखिरी टेक दिया तब दम घुटने से उनकी मौत हो सकती थी, उन्होंने बताया था। जब उन लोगों ने मुझे आग लगाई तो लपटों ने घेर लिया और लपटें इतनी बढ़ गई कि काबू से बाहर हो गई।
मैंने खुद को जमीन पर गिरा लिया और लोगों ने मुझे घेर लिया। आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे ऊपर गीले कमल फेंके, लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। लपटे हर बार बढ़ जाती थी। तभी एक लड़का था जो ये आगे देखकर डर गया और उसे लगा कि मेरे चेहरे पर भी आग लगी है, तो उसने कार्बन डाइऑक्साइड मेरे चेहरे पर छिड़क दी। मैंने सांस लेना बंद कर दिया था क्योंकि सांस अंदर ले ही नहीं पा रहा था। वो दिन बहुत डराने वाला था। मैं मौत से बाल बाल बचा था। इस फिल्म की शूटिंग चीन के बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हुई थी। राकेश रोशन ने झरनों, जंगलों, पहाड़ों और ग्रीन लोकेशंस के लिए अरुणाचल प्रदेश को चुना था। वे गुवाहाटी गए, वहां से करीब 17 किलोमीटर ड्राइव के बाद आने वाली एक आउटपोस्ट तक उनकी शूटिंग शुरू हुई, जहां से चीन की सीमा महज 2 किलोमीटर दूर थी। इसके अलावा कोयला की शूटिंग जयपुर, हैदराबाद, ऊटी और अन्य जगहों पर हुई। फिल्म में हीरोइन के लिए मेकर्स की पहली पसंद सोनाली बेंद्रे थी। कोयला के गाने इंदिवर ने लिखे थे। तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई, देखो तुझे तो हो गई दीवानी। तन्हाई तन्हाई दोनों को पास ले आई, देखा तुझे तो हो गई दीवानी। और घुंघटे में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला, जैसे गाने 2 दशक बाद भी फिल्म की याद ताजा कर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तवांग से कुछ पहले एक खूबसूरत झील पर माधुरी और शाहरुख के बीच एक गाने की शूटिंग हुई थी। 1996 तक इस झील को संगतेश्वर लेक कहा जाता था, लेकिन उस साल फिल्म की शूटिंग के बाद से इसे माधुरी लेक कहा जाने लगा। कोयला की शूटिंग के बाद यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई। इस झील का नाम माधुरी लेक पड़ने के बाद स्थानीय बौद्ध भिक्षु नाराज हुए थे। कोयला की मेकिंग के दौरान ही फ्रांस के केन फिल्म फेस्टिवल में एक फिल्म गई थी जिसका नाम था कोलया। दोनों के नामों में समानता की वजह से कई जोक किए गए, जबकि चेक गणराज की फिल्म कोलया को यान शोइग्राक नाम के महत्वपूर्ण डायरेक्टर ने बनाया था। इस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन फिल्म का ऑस्कर भी जीता था। माधुरी ने फिल्म में अपने बहुत सारे कठिन एक्शन सीक्वेंस खुद किए थे, जैसे अरुणाचल में जबरदस्त ठंड में उन्होंने पानी वाला सीन किया। इसमें उन्हें और शाहरुख को पानी में डूबते हुए जाना था और आगे गिरता हुआ झरना था। इस सीन में उनके पास सिर्फ स्टंट वायर की सेफ्टी ही थी, जमा देने वाले पानी से कोई बचाव नहीं था। कोयला बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फ्लॉप रही थी। आज तक इसे शाहरुख खान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में गिना जाता है। हालांकि इसके गाने सुपरहिट थे, बड़ी खूबसूरत लोकेशन थी, अमरेश पुरी और सलीम घाउस जैसे खूंखार विलेन थे, माधुरी और शाहरुख जैसे परफेक्ट जोड़ी थी, जबरदस्त एक्शन सिक्वेंस थे, जॉनी लीवर और अशोक सराफ की कॉमेडी थी और कठोर हालतों में फिल्म बनाई गई थी। राकेश रोशन से पूछा गया कि फिर भी फिल्म पिटी क्यों, तो उनका कहना था, पता नहीं, शायद फिल्म के रिलीज के टाइम दर्शकों के बीच अलग तरह का मूड था। फिल्म हमेशा दर्शकों के मूड के हिसाब से सेट नहीं हो पाती। पता नहीं मेरी फिल्म करण अर्जुन इतनी बड़ी हिट क्यों थी, मैं नहीं जानता। किशन कन्हैया और खून भरी मांग ने इतना अच्छा परफॉर्म क्यों किया, ठीक इसी तरह मैं ये नहीं जानता कि कोयला ने अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया। शायद जब ये रिलीज हुई तब वो समय था जब दर्शक हिंसक एक्शन फिल्मों से दूर जा रहे थे और रोमांटिक फिल्मों के प्रति आकर्षित हो रहे थे। तवांग में फिल्म की शूटिंग सब लोगों के लिए बहुत टफ थी। शाहरुख खान का कहना था कि ये बहुत ही कठिन फिल्म थी, बहुत ठंड बहुत ज्यादा थी, इस वजह से कई कई दिन शूटिंग रुकी रहती थी। ठंड की वजह से लोगों को घाव हो जाते थे। एक ऐसा ही किस्सा है जब पहाड़ पर एक सीन शूट हो रहा था, शाहरुख को पहाड़ पर खड़े दिखाना था, राकेश रोशन उन्हें छोड़ने गए तो सीन पर बातें करते हुए हेलीकॉप्टर पर हाथ रखकर खड़े थे, वहां उनका हाथ ठंड से जल गया था। शंकर का गला रेत कर राजा साहब पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं, उसके बाद उसका उपचार होता है। एक सीन है जब शंकर के पैर की हड्डी जोड़ने के लिए लकड़ियां बांधी हुई है और वो दौड़ता है और इतना तेज दौड़ता है कि लकड़ियां अपने आप टूट कर गिर जाती है और वो ठीक हो जाता है। ठीक ऐसा ही सीन इससे 3 साल पहले आई टॉम हैक्स स्टारर बड़ी पॉपुलर हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गम में भी, जहां छोटे बच्चे फॉरेस्ट के पैरों में स्टील के ब्रश बांधे हुए और कुछ बड़े लड़के उसे बुली करते हैं और उनकी दोस्त उसे कहती है भाग फॉरेस्ट भाग, और वो इतना तेज दौड़ता है कि सारे ब्रश खुलकर गिर जाते हैं।
दोस्तों ये तो थे फिल्म के किस्से। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो होना चाहिए। बहुत खूबसूरत कहानी है, गाने हैं, एक्शन है और ड्रामा है। मुझे तो लगता है कि शाहरुख खान को इस फिल्म को फिर से रीशूट करना चाहिए, यानी कि इसका रीमेक करना चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि शाहरुख खान इसका रीमेक करेंगे या नहीं? आज के लिए बस इतना ही।